पागल हो गई आज आज मुझे बाहर निकलने की खुशी बहुत है। मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी खाना है, मुझे आज कोई डाइट नहीं करनी। यम 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 यार इतनी ज्यादा चीजें हैं और इतनी खुशबू आ रही है ना यहाँ से। चलो चलिए यार इसमें से क्या मंगवाना है, पैसे तो है नहीं है। भैया दो पैसे मेरे तो मेरे ये सब कुछ खाना, सारा कुछ खा लोगी तुम? हाँ खा लो, पैसों की टेंशन ना लो। ये कौन सी ड्रिंक भी है साथ? मुझे ये सब्ज वाली चाहिए, मैं पेंडू हूँ ना, मुझे सब्ज वाली चाहिए है। और यहाँ पे चिकन शवारमा ये सस्ता है, 230 का है। ये देखो ये जिंगर और जो है ना कबाब पराठा दोनों 380 में दे रहे हैं। 380 का एक गेम मंगवा दे मुझे और एक ये दो तो हो जाएंगे। ठीक है तुम तो खाती नहीं हो वो जिंगर और ये तो शवारमा खाती नहीं हो। क्या हुआ हजार टिका का भी ये भी लगा लेते हैं सामने नगर्स, ये छोटे से होते हैं ना, देख लो फिर क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके साथ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी इसमें शेयर करनी है, तो आपने इस व्लॉग को देखना है एंड तक। और इस बर्गर के साथ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जुड़ी हुई है, तो आपने इस व्लॉग को कहीं भी स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना और डे और एंड तक देखना है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे व्लॉग्स जो हैं वो ऐसे ही इंजॉय करते रहें। तो चलते हैं फिर आज के व्लॉग की तरफ। अच्छा जी व्यूवर्स, यहाँ मैं जब रेस्टोरेंट में आई तो मैंने पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर दी थी, तो पहले मेरी पेमेंट में आ रहा था एरर, ठीक है एरर दे रहा था, तो मैंने दोबारा कर दी तो उसको जो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनको पेमेंट चलेगी डबल। अब उसको डबल चल गई, मुझे मैसेज भी डबल आ गया फौरन ही, तो मैंने उससे कहा कि आपको जो है वो डबल पेमेंट आ गई है। बट वो उस आदमी ने टस से मस नहीं हुआ और बिल्कुल भी नहीं माना कि जी उसको पेमेंट मेरी डबल आई है, और इवन के मैंने उसको मैसेज भी शो किया लेकिन वो यही कही जाए कि मुझे कोई मैसेज नहीं आया। बर्गू आ गया, बर्गर छोटा नहीं है ये, सही है ना साइज में, ठीक है। और ये रशियन सैलड हमने थोड़ा सा मंगवाया और इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़े का लग रहा है। दो स्पून नहीं लाया। वैसे आप क्या कहती है, घर से बाहर निकलना चाहिए ना, है ना, और मज़े मज़े के खाने खाने चाहिए। एक और दिन तुम पियोगी, मुझे इतनी नसीहत आई हुई है ना, मैं नहीं पीऊँगी। देखिए इसने बहुत ज़्यादा मंगवा लिया, अब ये देखो खा भी नहीं रही, तो एक बर्गर ही मंगवा लेती फिर। हाँ मेरा सैलड खाई जा रही है, दो मैं नहीं दूँगी, मेरा है वन लास्ट करते करते मेरा सारा खा गई है। तो गाइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे इस चीज़ की हो रही है, तो आप भी सोचें किस चीज़ की हो रही है हैरानी। इस चीज़ की हो रही है कि लोग शॉपिंग करके, पहले इतनी ज़्यादा शॉपिंग की है फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया, लोग खाने आ रहे हैं और हमारा पेट फुल हो गया। खैर फिर हम लोगों ने खाना यहाँ पर इंजॉय करना था, इंजॉय कर लिया लेकिन दिल खट्टा हो गया कि जी इस एक तो इस आदमी को हमारी चलेगी ये डबल पेमेंट और ऊपर से वो मान नहीं रहा, और उसने 2 से 3 घंटे बाद भी ये बात नहीं मानी। हम लोगों ने इधर उधर टाइम स्पेंड किया, हम लोगों ने कहा चलो हम लोग ना मॉल वगैरह में हो जाते फिर शायद मान जाए, बट वो नहीं माना। मतलब कि इवन कि अगर उस दौरान उसको मैसेज आया भी होगा तो उसने डिलीट कर दिया होगा। तो ये हमारे लोगों का, हमारे मुसलमानों का ईमान है भाई, ये देख लें चेक कर लें। 2000 years later. तो यहाँ पे मैं अपनी मामा के साथ आई हुई हूँ बाहर और मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर जो है जी हम लोग क्रॉकरी वगैरह लेने आए हुए हैं घर वालों घर के लिए, मुझे एक बॉटल लेनी थी, ग्लास वगैरह भी लेने थे। तो ये वाटरवे बाज़ार है, हम मैं यहाँ पे पहली दफ़ा आई हूँ, यहाँ पर मुझे नहीं पता कि किस तरह चीज़ें मिलती हैं। वैसे आपको सेपरेट पीसेस भी मिल सकते हैं और ये लोग ना 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से कुछ देते हैं, बट ये इन्होंने पहले कहा था, पर जैसे ही मैंने चीज़ें पसंद कर ली मैंने कहा चलो ठीक है यार ये तो सस्ती मिल रही है, केजी है 1000 रुपये केजी है,
तो मैं चीज़ें ले लेती हूँ। तो जब मैंने चीज़ें ले ली तो इन्होंने 3,000 रुपये पर के जी कर दिया, यानी कि इन्होंने फ़ौरन ही अपनी ना स्टेटमेंट चेंज कर दी, नहीं 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 हमने तो ये कहा था ये कहा था ये कहा था। देन मैंने कहा यार इतनी दूर आने का भी क्या फ़ायदा हुआ, ये लोग तो भाई चेंज हो गए फ़ौरन ही, क्योंकि मैं मुझे यहाँ पे मेकअप की कुछ चीज़ें जो हैं वो पसंद आई थी, और मैंने कहा चलो सस्ती हैं तो ले लेते हैं। बट बाद में इन्होंने कहा कि जी हम लोग तो इस हिसाब से दे ही नहीं रहे, ये तो हाल है हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और फिर आप लोग पता नहीं कैसे क्रिटिसाइज़ कर देते हैं अपने मुल्क के बादशाह को जब आप लोग खुद नहीं सही हैं। सो हेयर छोड़ें, सो यहाँ पे ना हर तरह के ही फेस वॉश मौजूद थे, हर तरह का फेस वॉश था, हर तरह का स्क्रब था, हर तरह के ही मॉइस्चराइज़र था, हर तरह की हर चीज़ थी यहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो यहाँ पे ना हो। तो कुछ चीज़ें तो मुझे लेनी थी, मतलब कि मुझे मॉइस्चराइज़र भी लेना था, मुझे क्लिनज़र भी लेना था, मुझे स्क्रबर भी लेना था। तो हेयर मैंने यहाँ से नोट कर ली, मैंने कहा चलो मैं मार्केट से जाके ही लूँगी, और आप लोगों को मैं यहाँ पे सारी सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। तो अगर आप लोगों का कभी माइंड बने कि मोटे में मार्केट जाना है जी, वहाँ पे जी सस्ती चीज़ें मिलती हैं और वहाँ पे रेट बहुत कम है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि रेट शेट वहाँ पे कोई नहीं कम है, तो आप लोग इतनी दूर का सफ़र ना ही कीजिएगा, सोच समझ के जाइएगा वहाँ पर, ये ना हो गया आप लोगों का भी फिर चक्कर ही पड़े। तो यहाँ पे शर्ट्स थी, ये शर्ट्स वगैरह ये भी इसी तरह पर किलोग्राम के हिसाब से ये लोग दे रहे हैं। वैसे यहाँ पे हर चीज़ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, कपड़े भी हैं, क्रॉकरी भी है, और हर चीज़ मतलब कि जो हम करने घर में यूज़ करनी हो ना, मतलब कि हर तरह की वैरायटी है यहाँ पे। तो मुझे एयरबड्स भी लेने थे, एयरपॉड्स लेने थे, एयरबड्स जो होते हैं ना वो, तो उसके आके ना वो एयरबड का ये नुकसान है कि वो कान के अंदर होते तो आपको कुछ पता नहीं चलता, और अगर वो गिर जाए तो फिर वो कभी मिलता ही नहीं है। तो एयरबड नहीं मुझे लेना था, मुझे एयरपॉड लेना था, तो मैंने सोचा वो भी ले लूँगी, बट कीमतें तो वही हाल था जो मार्केट में थी। फिर मैंने सोचा कि मैं जेन्युइनली जाके ले लूँगी, मैं क्यों यहाँ से लूँ। तो आपको मैं यहाँ पे सैर भी करवा रही हूँ और आपकी मैं यहाँ पे नॉलेज भी दे रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बिया मलिक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर सके, मैं ऐसे ही आपके साथ अपने ब्लॉग वगैरह शेयर करती रहा करूँ। और आप लोगों को हर जगह मैं घुमाती भी कहती रहती हूँ, सैर कराती रहती हूँ और नॉलेज देती रहती हूँ, तो फिर आप लोगों का भी बनता है फ़र्ज़ कि आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें, ताकि मेरा चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। अच्छा तो यहाँ पे मैं आपको ये बाकी चीज़ें दिखा रही हूँ, लिप ग्लॉस हैं। तो क्योंकि अभी हम लोग ना ये मेकअप वाले एरिया में थे ना, तो हम लोगों ने सोचा मैं मेकअप वाले एरिया को अच्छी तरह से ना कवर अप कर लूँ। ऐसे इसके साथ अगर हम बाहर निकलेंगे तो फिर आप लोगों को क्लॉथिंग एरिया भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक एरिया भी मिलेगा, मशीनरी एक्सेसरी हर तरह की हर चीज़ यहाँ पे थी। बट ये है कि आप लोग जो है ना इसे चेक करके लें, और ये भी आप देखें कि ये जेन्युइन है या नहीं है, मतलब कि ये होता है समटाइम हम चीज़ें ले लेते हैं लेकिन हमें बाद में जाके पता चलता है कि इट्स नॉट जेन्युइन, तो फिर आप लोगों को ही नुकसान होता है। सो इसलिए कंपनी की ओरिजिनल चीज़ें ही लें। और ये यहाँ पे पिन्ने और नेकलेस और पोनियाँ वगैरह भी हैं, ये तो हर छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो इंसान ले ही लेता है, इसको भी इंसान ने क्या चेक करना है कि ये कंपनी के थ्रू आई है या नहीं आई। सो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे डिब्बे बनाए होते हैं और लोग यहाँ से चीज़ें अपनी मर्ज़ी की ले जाते हैं। बर्तनों के प्लेटें ये हैं और सेपरेट भी मिल जाती हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जितनी भी शॉप्स थी ना उनमें ये चीज़ें थी, मतलब कि मेकअप ज्वेलरी और ये किचन की एक्सेसरीज होती है ना, ये चीज़ें ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द अदर थिंग्स। तो खैर रोज़े के साथ ये सब कुछ कवर अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ एक नई मार्केट ज़रूर लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों को ना आइडिया हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं। और अभी तक मैंने वैसे इस मार्केट से रिलेटेड कोई वीडियो अभी तक तो यूट्यूब पे देखी नहीं है, तो मुझे लगता है आई एम द ओनली वन जो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना रही है और आप लोगों को नॉलेज दे रही है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पर रजिस्टर्स कॉपीज एंड दूसरी जो बच्चों की रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो शायद यहाँ पर से कुछ लिया नहीं, मैंने लिया यहाँ से एक कढ़ाई ली है मैंने, और इसके अलावा मैंने एक ग्रिल पैन लिया है, और मैंने लिया है एक तवा।
ठीक है, ये सब चीज़, ये तो तीन चीज़ें, और एक मैंने लिया आटा गूंदने वाली मशीन, उसका डेमो मैं आप लोगों को घर जाके दूंगी। ये वो तवा जो मैंने लिया है, और इसके अलावा ये ऊपर ही आप लोगों को नज़र आएगा, ये बीटर भी मैंने लिया है, और एक मैंने कढ़ाई लिया नॉन स्टिक की, और एक मैंने लिया है ग्रिल पैन। तो ये तीन चार चीज़ें थी जो मैंने ले ली हैं। इसका रिव्यू मैं आप लोगों को बाद में दूँगी, यूज़ करने के बाद चीज़ें जब मैं यूज़ कर लूँगी तब मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूँगी इंशाल्लाह ताला। 2000 years later. तो अफ्तारी वगैरह करने के बाद ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो मैंने अपनी फातिमा से कहा कि मुझे ना बाहर ले चलो, गोलगप्पे वगैरह खाते हैं। तो आजकल हमारे ना नियर ही हमारी जगह हमारे घर के पास ही ना ये गोलगप्पे वाला खड़ा होता है, तो मैंने सोचा गोलगप्पे वगैरह खाते हैं। बट फातिमा कहती मैंने नहीं खाने क्योंकि उसका गला ख़राब था, लेकिन मुझे तो खाने खाने चाहिए क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वैसे हमें ना तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वो क्या होती है कि हम लोग जब सारा पेट सारा दिन खाली पेट रहने के बाद जब खाते हैं ना थोड़ा सी भी तली हुई चीज़, तो वो स्टमक थोड़ा हैवी कर देती है। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा। लाइक कमेंट करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बी एम मलिक। सो मैं आपसे मिलूंगी नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में रखिएगा याद। टेक केयर बाबा एंड अल्लाह हाफिज़, एंड बाय बाय, नए वीडियो मिलते हैं बाप से, बाय।